केरल समाजम दुर्ग द्वारा आयोजित 17वीं अखिल भारतीय संगीत नृत्य एवं छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को SNG ऑडिटोरियम सेक्टर 4 में हुआ। इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की समृद्ध लोक कला और संस्कृति को प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अरुण वोरा ने मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाई। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ और केरल की सांस्कृतिक धरोहरों के सामंजस्य की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। केरला समागम दुर्ग द्वारा SNG ऑडिटोरियम में 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिवसीय 17वीं अखिल भारतीय म्यूजिक और डांस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर के कलाकार यहां पर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। 18 सितंबर को प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में जिले के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही पूर्व दुर्ग विधायक अरुण वोरा, सीजू एंथोनी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मनमोहक प्रस्तुतियां यहां पर कलाकारों ने दी। अतिथि देवो भाव के तहत प्रमुख रूप से शामिल जिले के सांसद विजय बघेल का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को लेकर अतिथियों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम समागम द्वारा पिछले 17 साल से ऑल इंडिया डांस एवं गीत कार्यक्रम रखा जाता है और 17वें वर्ष के आयोजन में हम लोग उपस्थित हैं। 17 साल पहले हमारे प्रसिद्ध कलाकार के केरला समाज के छब्बी जी और साथ ही साथ हमारे देवदास बंजारे जी जो परम मित्र थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये एक अच्छा समागम है कि पूरे हिंदुस्तान के कलाकार इस मंच पर आते हैं केरला से ही के इस हॉल में और उनकी प्रस्तुतियाँ हम लोग देखते हैं। इससे ये हम लोग एक उद्देश्य है कि पूरा देश हमारा है, हम सब एक सूत्र में बने हैं और हमारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो परंपरा है उसको एक करने का इस कार्यक्रम के माध्यम से एक शुरुआत की गई है, उसको मैं निश्चित रूप से दिल से सराहता हूँ। और वो दोनों दिवंगत हो चुके हैं, शुरुआत करने वाले हमारे साथी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, निश्चित रूप से कोशिश करता हूँ। ये जो आयोजन है अपने आप में अनूठा आयोजन है। ये आयोजन लगभग 16 वर्षों से यहाँ पर केरला समागम के द्वारा संचालित है, अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं और अपनी देश की कला को यहाँ पर बिखेरते हैं। मैं अध्यक्ष श्री मोहम्मद साहब को धन्यवाद देता हूँ, बाबू साहब को धन्यवाद देता हूँ, समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि पूरे देश के कलाकारों को यहाँ पर बुलाते हैं, खासकर जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है उसको सभी प्रदेशों से अवगत कराने का वो प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस आयोजन के पीछे जो उद्देश्य है वो है सर्वधर्म संभाव की भावना, सभी लोग मिलजुल कर रहें, साथ रहें, यही हमारे देश की संस्कृति है और हमारे राज्य की संस्कृति भी यही है। हम लोग छत्तीसगढ़ी फ्री स्टाइल, छत्तीसगढ़ी फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन लोग बहुत सालों से ऑर्गेनाइज करते हैं इसको और मैं बहुत साल पार्टिसिपेट कर चुका हूँ यहाँ और विनर भी रह चुका हूँ। अच्छा, बहरहाल इस 5 दिवसीय अखिल भारतीय नृत्य व गीत प्रतियोगिता का समापन 22 सितंबर को होगा। विजय प्रतिभागियों को यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। ACN News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।